हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्रीकल्चर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज इस वीडियो में BSc एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ सीड टेक्नोलॉजी से MCQ क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, बीज है तो निषेचित परिपक्व बीजांड होता है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजावरण है एक तो बीजावरण एक बीजावरण होता है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस बीज की शुद्धता प्रतिशत क्या है, तो 100% होती है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन सीड की शुद्धता प्रतिशत क्या है, तो 99% होती है, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज का शुद्धता प्रतिशत क्या है, तो 99% होती है शुद्धता, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी अवधि के भंडारण के लिए इष्टतम नमी क्या है, तो 8% या उससे कम होनी चाहिए, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च नमी में बीज का होगा तो अंकुरण का नष्ट होना होगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की भौतिक शुद्धता कितने प्रतिशत है, तो 96 से 98% होनी चाहिए, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब टू लैंड प्रोग्राम किस वर्ष शुरुआत हुई, तो 1979 में हुई थी, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय बीज अधिनियम कब बना, तो 1966 में बना था, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज नियम किस वर्ष बने, तो 1968 में, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज नमूना प्रमाण पत्र का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज और अनाज में क्या अंतर है, तो आनुवंशिक शुद्धता होती है मेन अंतर, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज चोल पेराक्सीडेज परीक्षण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो सोयाबीन के लिए किया जाता है, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज में पेरिस्पर्म होता है, तो परमासिस्टेंटेड न्यूक्लियस होता है, डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिजील अंकुरण होता है, तो मूंगफली में होता है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संगठन कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड में स्थित है, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगन में नमित बीज बर्न रोग है, तो पोमस स्पीसीज ब्राइट के कारण होता है, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण प्रकाश द्वारा बाधित होता है, तो इन्फ्रारेड प्रकाश, डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISTA मानक के अनुसार अंकुरण के लिए कितनी संख्या में बीजों का प्रयोग किया जा सकता है, तो 400, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण का वह प्रकार जिसमें स्पेटाइल के तेजी से बढ़ने के कारण बीज पत्रों को दक्षिण सतह के नीचे रखकर सूंडो अंकुरित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम संकर किसने बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया था, तो थॉमस फेयर चाइल्ड के द्वारा बनाया गया था, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज प्रौद्योगिकी के जनक हैं, तो फ्रेडरिक नोवे हैं, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज के प्रमाणित बीजों में बाजरा के प्रमाणित बीजों में कितने प्रतिशत इरगार्ड
बीज की संभावना होती है तो 0.04% होती है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरित बीज में शर्करा का कौन सा रूप होता है, तो माल्टोज होता है, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज विकृति विज्ञान के जनक हैं तो पाल निगार्ड हैं, डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक में कौन सा राज्य ने बीज प्रमाणन की मान्यता दी, तो महाराष्ट्र ने दी थी, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहला राज्य जिसने बीज प्रमाणीकरण की संस्था को स्वशासी संस्था के रूप में मान्यता दी, तो नाटिका हो जाएगा, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज किसे कम नमी पर बिना हानि के सुखाया जा सकता है, बीज जिसे कम नमी पर बिना हानि के सुखाया जा सकता है, तो रूढ़िवादी बीज को सुखाया जा सकता है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस बीज का प्रसरण होता है, तो कपास का होता है, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बीज है तो वाणिज्यिक प्रसार में प्रयोग किए जाने वाले देहिक भ्रूण से प्राप्त, सीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने के प्रमाणित बीज के लिए अंकुरण प्रतिशत का मानक क्या है, तो 85% है, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य बीज के टैग लेबल का रंग क्या होता है, तो ओपन ग्रीन होता है, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अधिनियम 1966 का खंड 8A में क्या दर्शाया गया है, तो पंजीकृत बीज संस्था को दर्शाया गया है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और गैसों के लिए बीज कोट की अभिदेतता के कारण होने वाली निष्क्रियता को किसके द्वारा तोड़ा जा सकता है, तो स्कारिफिकेशन के द्वारा तोड़ा जा सकता है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज नियम की निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में हुई थी, बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनक बीज का टैग आकार क्या होता है, तो 12x6 होता है, डीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गेहूं का बीज गुणित अनुपात क्या है, तो 1:20 होता है, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की आंतरिक झिल्लीदार संरचना को कहते हैं, तो टैग मैन कहते हैं, एज करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। BSc एग्रीकल्चर 4th semester के सभी विषय सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।